एस्ट्रो लवर्स ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। आपने कभी सोचा है कि हम मंदिर में जाते हैं तो हमें क्यों सुकून महसूस होता है, पॉजिटिव महसूस होता है? क्योंकि हम बहुत सारा वाइब्रेशनल और साउंड एनर्जी क्रिएट करते हैं। हम मंत्र जाप करते हैं, हम आरती करते हैं, हम पूजा करते हैं, तो उससे हम बहुत सारा पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे बॉडी के अंदर और ओवरऑल क्रिएट करते हैं, जिससे वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है। नेगेटिव एनवायरनमेंट कैसे होता है? अगर आपके घर में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, किसी को पसंद नहीं है, आप किसी के बारे में जेलस हो या वो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा स्पेस नेगेटिव हो जाता है। अभी हमारा घर का स्पेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपको नेगेटिव महसूस हो रहा है तो आप सेम जो आप मंदिर में करते हैं, आप सेम अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप दिया कर सकते हैं, आप लोबान कर सकते हैं, जिससे बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होता है। अगर आपको ये नहीं करना, किसी को फायर से एलर्जी होता है, किसी को स्मोक नहीं चाहिए, तो आप कपूर, तुलसी, पानी, उससे भी आप बहुत सारा पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। जिससे हम तुलसी एक्चुअली नेगेटिव कट करता है। तुलसी प्लांट हम आंगन में क्यों लगाते हैं? सब जगह आप देखते हैं कि तुलसी प्लांट आंगन में लगाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी कट करता है। तो आप ये सेम तुलसी लीव्स को कट करके कपूर के साथ मिक्स करके विद वाटर, आप बहुत अच्छा सुकून और पॉजिटिव महसूस करेंगे। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, डिश टीवी और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।